हेलो गाइस, गाड़ी नमक इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज मौजूद है टाटा टिगोर ईवी, जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार है, देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कह सकते हो, सेडान कह सकते हो, और टाटा की है सेफेस्ट आप कह सकते हो। 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग में इस गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी है। खैर वो पेट्रोल वर्जन में मिली है, लेकिन ये भी उतनी ही सुरक्षित है। सेम बॉडी शेल पर बनी हुई है और काफ़ी सारे इसमें चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती है जो कि बिल्कुल इस गाड़ी को अलग बनाती हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है, लेकिन पहले देख लेते हैं चाबी से कि आप ये देख रहे हो अनलॉक लॉक, ये लाइट जल जाती है और इससे बंद हो जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये है इसका बूट ओपन करने वाला। तो गाड़ी के ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में तो बताएंगे, लेकिन इस गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या क्या मिलता है वो हम एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। तो देखो भैया, ये बेसिकली देखा जाए यहाँ पर, पहले नीचे से दिखा देता हूँ, ये ट्राई एरो पैटर्न वाली ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एक अच्छी सी एनर्जेटिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी ट्राई एरो वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है, टाटा का बीच में ये बड़ा सा लोगो, और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसका जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर बल्ब। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है और यहाँ पर LED DRL। इसके अलावा साइड में अगर आप आते हो तो साइड में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 14 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो एलॉय व्हील है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का पैटर्न देख रहे हो, ये बेसिकली इसे एक एनर्जेटिक यूनिक लुक देता हुआ नज़र आता है। और ये प्लास्टिक है, एलॉय व्हील नहीं है, प्लास्टिक है, एलॉय व्हील वाला डिज़ाइन दे रहा है पूरी तरह। ईवी यहाँ पर लिखा हुआ है, ईवी बेसिकली यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये क्रोम डोर हैंडल बार देखने को मिल जाता है, क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ कहीं पर भी टिगोर लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है, ईवी देखने को मिल जाता है। और जिप्ट्रॉन वाला पावर ट्रेन इस्तेमाल किया है वो देखने को मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये तो था एक्सटीरियर, इंटीरियर में देख लेते हैं एक बार कंपनी क्या क्या चीज़ें दे रही है। ऑलराइट, इंटीरियर थोड़ा सा गंदा है, गाड़ी बहुत चलाई है, टेस्ट करा है, पूरी तरह अच्छे से इस गाड़ी का टेस्ट किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर का एलिमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली चारों टायर्स में आपको ब्लू कलर का ये जो एलिमेंट है ये आपको देखने को मिलता है। एक से यूनिक लुक देता हुआ नज़र आता है, यूनिक इसलिए क्योंकि ये आपको दर्शाता है कि ये गाड़ी भैया इलेक्ट्रिक है। AC वेंट्स, और यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ये सराउंडिंग है, यहाँ पर देख सकते हो आपको ब्लू कलर का ये ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये विंडो रोल अप रोल डाउन करने के स्विचेस मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश वाला आपको यहाँ पर भी ये डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है। और सीट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये हाइट एडजस्ट करने के लिए देखने को मिल जाता है, और ये आपको पता ही है कि आगे पीछे करने के लिए अपनी बैक एंगल रेस्ट के लिए। और साथ ही स्टीयरिंग व्हील अगर हम देखते हैं तो स्टीयरिंग व्हील में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर बताता हूँ क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये जो वाइपर वगैरह है इनके कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर दिया है, जिप्ट्रॉन लिखा हुआ है, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, रेंज कितनी मिलती है, और ड्राइव टू रेडी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको एक ये परसेंटेज के अलावा एक यहाँ पर फ्यूल गेज टैब ये देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये जैसे RPM मीटर मिलता है ना, यहाँ पर इको मीटर ये देखने को मिल जाता है कि इको में चल रही है या कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में भी आपको इसमें यही जो इको वाला ये सिस्टम है ना, यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑडोमीटर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, ये सिस्टम है काफ़ी बढ़िया है, हारमन का है, स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, और इसका म्यूज़िक आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ ये आपको सेम टिगोर जैसा ही देखने को मिलता है, आपको सेम टिगोर जैसा ही यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ AC वेंट्स अगर हम देखते हैं तो ये भी आपको सेम वैसा ही सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं
स्टीयरिंग व्हील की, तो जैसे कि बताया यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और स्टोरेज स्पेस आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलता है, और यहाँ पर भी अगेन वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में लाइट जलाने के लिए यहाँ पर सेंटर में बटन दिया है जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो देती है लाइट का। और सीटों की बात करते हैं, सीटों की बात नहीं की है अभी मैंने आपसे, तो सीटों की बात करते हैं और बताते हैं सीटों में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ट्राई एयर वाला पैटर्न है ना, ये देखने को मिल जाता है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। रियर में भी आपको सेम वैसा ही कंफर्ट देखने को मिलता है, सेम वैसा ही पैटर्न देखने को मिल जाता है ट्राई एयर वाला, और ये बीच में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। चलते हैं पीछे की तरफ, मैं दिखा देता हूँ कैसा आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलता है रियर सीट पर। ये रियर सीट मैंने खोल दिया है और यहाँ आपको वैसा ही आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर ये जो बूट स्पेस है ना, ये बूट स्पेस जैसे कि देखा जाए आपको नॉर्मल टिगोर में 419 का मिलता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा, मतलब 365 के आसपास है। और क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी ये जगह घिरी हुई है, और ये चार्जर आप यहाँ देख ही रहे हैं, बेसिकली ये नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जर है जिसे आप प्लग में लगा के चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के ड्राइव पर और देखते हैं चलाने के दौरान ये इलेक्ट्रिक कार कैसी लगती है। तो एक गाड़ी हमने यहाँ से की स्टार्ट, और यहाँ से लगाया ये DNR रिवर्स और न्यूट्रल, ये डी यानी कि ड्राइव और एस यानी कि स्पोर्ट, ड्राइव और स्पोर्ट यानी कि दो मोड है, डी पे लगाया हमने, ड्राइव मोड यहाँ आ गया है। अब चलते हैं इसके ड्राइव पर, हैंड ब्रेक नीचे एंड देन वी गो। नाइस, इलेक्ट्रिक कार है तो साउंड यानी कि आवाज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली, काफ़ी मज़ेदार ये आपको लगती है जब आप इस गाड़ी से चल रहे होते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि भैया इसका जो ट्रांसमिशन है और सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, 26 किलोवाट आर की इसमें बैटरी मिल जाती है, और गाड़ी में आपको पावर भी भरपूर देखने को मिल जाती है, 74 BHP की पावर देखने को मिल जाती है, और 170 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क आपका इसका आप इस गाड़ी का इनिशियल RPM पे देख सकते हैं, और सच बताऊं इस गाड़ी को चलाना ना वाकई एक मज़ेदार प्रतिक्रिया मिलती है इनफैक्ट। तो चलते हैं कुछ कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखो भैया अभी रेंज दिखा रहा है ये 185-166%। इस गाड़ी को फुल चार्ज अगर आप करते हो 25 kW के चार्जर से, जो कि फास्ट चार्जर है टाटा पावर का जो चार्जर है, उससे अगर आप चार्ज करते हो तो 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 500 रुपये आपके लग जाएंगे, और इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 15 मिनट के आसपास का वक्त लगता है। इनफैक्ट 0 से 80% चार्ज होने में 1.25 घंटे आपको इसमें लग जाते हैं अगर आप 25 kW से के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एक खास बात तो ये है कि रेंज, जो रेंज एंग्जाइटी होती है ना लोगों के मन में कि भैया फुल चार्ज पे कितना चलेगी, तो मैं आपको बता दूं अच्छा खासा ही आपको रेंज दे देती है, 170, 180, 190 तक ये गाड़ी रेंज दे देती है अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पर भी चला रहे होते हैं। और ये देखो ये अपील है थोड़ा सा, और कुछ लोगों के मन में होता है ना कि भैया इलेक्ट्रिक कार चढ़ नहीं पाती या कुछ भी है, तो भैया ये देख लो हम अपहिल पर चल रहे हैं, ट्रैक्टर अभी चढ़ के गया है, अरे गाड़ी कैसे चढ़ रही है, और ये मैंने यहाँ बीच में भी रोक दिया, अभी पीछे जा रही है थोड़ी सी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि भैया ऑटोमेटिक सिंगल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर हमने गाड़ी ये मोड़ ली है। इसका जो राइड क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी बेहतर है, राइड क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करते हैं, सॉफ्ट सस्पेंशन है, इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील का इनपुट भी काफ़ी बढ़िया है, और सच बताऊं तो काफ़ी मज़ेदार ये गाड़ी लगती है। तो मोटा मोटा मैं बता रहा था कॉस्ट जो पड़ती है 500 रुपये में 200 किलोमीटर के आसपास आप मान लो ये गाड़ी चल जाती है, अगर आप 180 के आसपास मान रहे हो तो ऑलमोस्ट 3 रुपये 3.25 रुपये के आसपास पर किलोमीटर आपको पड़ता है, जो कि बुरा नहीं है। अगर आप देखोगे तो 100 रुपये के चार्ज पर ये गाड़ी लगभग लगभग अगर 200 किलोमीटर का देखो हिसाब लगाते हैं हम लोग 200 किलोमीटर का
500 में ये गाड़ी फुल चार्ज हुई, 200 किलोमीटर ये रेंज दे रही है। तो अगर 600 रुपए का हम लगाते तो 3 रुपए में 1 किलोमीटर बैठता, तो 500 रुपए का अगर हम लगा रहे हैं तो 3 रुपए से कम का बैठ रहा है, थोड़ा सा 2.5 रुपए 2 रुपए 70 पैसे 2 रुपए 75 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से ये बैठ रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम रेंज देखते हैं 180 के आसपास तो ये 3 रुपए के आसपास पड़ती है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। और 180 तो ये गाड़ी चल जाती है, उसके बाद भी 10% 15% बैटरी इसमें बचती है और साथ ही साथ 20-25 किलोमीटर का ये रेंज भी दिखाती हुई नजर आती है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 170 के आसपास मैंने इसे फुल चार्ज करा था, फिर उतना ये इस गाड़ी ने मुझे दिखाया था। तो बेसिकली यही है, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है। अब ये देख रहे हो आप, डी पे है अभी, अब यहीं से इसे स्पोर्ट पे चला देते हैं। ओ भाई क्या भगने में है, ओ वाओ ओ यार क्या मजेदार स्पीड है, देख रहे हो आप, पता ही नहीं चला स्पोर्ट मोड पे इस गाड़ी का तेज तर्रार रूप। तो ये आपको यहाँ इसका तेज तर्रार रूप देखने को मिलता है। कीमतों की बात करें तो 12 लाख रुपए से ये गाड़ी करीब शुरू होती है और जाती है 13.5-13.5 लाख रुपए तक। इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल मॉडल के मुकाबले करीब 2 गुना इस गाड़ी की कीमत ज़्यादा है, लेकिन सच बताऊँ इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। आपको काफ़ी मज़ेदार ये लगेगी चलाने में, और आप देख सकते हो कि मैं कितने मज़े से चला रहा हूँ। रेंज एंग्जाइटी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन परेशानी आपको उतनी नहीं होगी, काफ़ी पैसे बचा लेंगे आप। पेट्रोल डीजल वैसे ही महंगा होता जा रहा है और उनकी गाड़ियाँ प्रदूषण करती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप पर्यावरण की तो सुरक्षा करेंगे ही, साथ ही साथ एक तौर पर आप मतलब अपने पैसे ही बचाएंगे गाड़ियों के मेंटेनेंस से और फ्यूल से। आप लॉन्ग टर्म का सोचो, छोटी सोच मत रखो। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय गाइज़।